हर राज्य के वित्त मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उस निवेदन होता है कि वो आकर अपने राज्य को लेकर सुझाव दें कि अगले बजट में उनके राज्य के लिए क्या विशेष रूप से किया जाए। और जब इंडस्ट्री के अलग अलग वर्गों से, लेबर यूनियन से और अलग अलग लोगों से फीडबैक ली जाती है, अब तो मोदी जी ने देश भर के लोगों को कहा कि अपने सुझाव आप मोदी जी को भेजें और उनको शामिल किया जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी उचित पाए जाएंगे, और लोगों का बजट हम इसको बनाकर पेश करते हैं। इस बार भी लोगों का बजट होगा। मुझे लगता है कुछ लोग देश से ज्यादा अपनी राजनीति पर ध्यान देते हैं। क्या जिन लोगों के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मजबूरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया हो, बहु बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया गया हो, अत्याचार किए गए हों, अगर वो वर्षों से भारत में आए हैं, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? ये ऐसा अधिकार उन लोगों को दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जिसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। लेकिन कुछ लोगों ने विभाजन करने का काम किया है, दुष्प्रचार करने का काम किया है, लोगों को उकसाने का काम किया है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों से, इन नेताओं के इस भ्रम में जो ये लगातार भ्रमित करने का प्रयास करें, इसमें ना आए, क्योंकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लोगों को नागरिकता देने का है, ना कि छीनने का है। और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसी का नागरिकता छीनी जाएगी, हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी के व्यक्ति की कोई नागरिकता नहीं छीनी जा रही। इस दुष्प्रचार को बंद करना चाहिए। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया, और इन प्रदर्शन करने वालों से जब पूछा कि प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, तो उनको भी पता नहीं प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए।